संसद में आज भी हंगामे के आसार। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। मिशन राजस्थान पर कांग्रेस, इटावा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। आज कार्यक्रम को लेकर बांटे जाएंगे पीले चावल। काशी को 1400 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 24 मार्च को कार्यक्रम प्रस्तावित। तैयारियों का जायजा लेने आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। हरियाणा में आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा विपक्ष। कई मुद्दों पर होगा हल्ला बोल। 2024 चुनाव से पहले महागठबंधन की सुगबुगाहट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज करेंगे ममता बनर्जी से मुलाकात। राजनीतिक स्थिति पर होगी चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल। मुस्लिम धर्म गुरु बोले वो इस्लाम से खारिज। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल शुरू। मंत्री बोले गड़बड़ी की तो रासुका और एस्मा लगाएंगे। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा बोले मुगलों ने देश को कमजोर किया। कांग्रेस आज की नई मुगल। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस मिले। 2.25 दर्ज की गई पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली से यूपी तक आज बरसेंगे बादल। कई इलाकों में ओले की संभावना। पहाड़ों पर गिरेगा तापमान। कंगाल पाकिस्तान अब भी अकड़ में। आईएमएफ की शर्त पर बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करेंगे। तोशखाना मामले में इमरान खान को झटका। गिरफ्तारी वारंट निलंबित करने की अर्जी की गई खारिज। वर्ल्ड कप से ज्यादा मैच में भीड़। पेड़ों पर बैठकर मैच। नेपाल टीम ने रचा इतिहास। भूकंप के बाद तुर्की में आई एक और आफत। बाढ़ से घिरे कई शहर। डूब रहे हैं घर मकान। 5 लोगों की गई जान। ड्रोन पर फाइटर जेट के हमले का वीडियो जारी। पहले आसमान में टक्कर अब समुन्द्र में भिड़ सकते हैं अमेरिका और रूस। अब क्रेडिट स्विस बैंक संकट में। 2008 जैसी दुनिया में आ सकती है मंदी। भारत पर होगा असर। राजेश गोपीनाथन ने टीसीएस के एमडी सीईओ के पद से दिया इस्तीफा। के कीर्तिवासन को कंपनी ने सौंपा भार। ब्रिटेन का बड़ा फैसला। सरकारी डिवाइसों में चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा बैन। रेल यात्रियों को होगी परेशानी। आज करीब 99 ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया समय। कंपनियों ने जारी किया पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर।